हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मैं राम कुमार त्यागी बेटे फिर ही विद्या में आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर जी, आदित्य कुमार सर जी नमस्ते। ठीक है, सब ठीक हो? साहिल यादव गुड इवनिंग सर, सब अच्छे हैं? अच्छे हैं ना? यस या नो करके बताओ, सब अच्छे हैं? यस, अरे वाह। चंद्रशेखर पटेल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा। अच्छा अब क्यूब में लिखने लगा, पहले स्क्वायर में लिखता था, है ना? बहुत अच्छा बेटे। साहिल यादव गुड इवनिंग, कुछ समझ में भी आ रहा है? ठीक है बेटे। मैं राम कुमार त्यागी बेटे फिर आपका वेलकम करते हैं हम अगेन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए बेटे, जो चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे आपको, और आप थोड़ा सा 10 ईयर जो होते हैं हमारे पास, उनमें से भी आदित्य पवार जरा उनमें से भी कोशिश करें बेटे करने की। ठीक है, अवस्थी जी प्रणाम। अरे वाह, शेखर अवस्थी, बड़ी अच्छी बात है बेटे। आ जाएं हम अपनी जगह टॉपिक पे। ठीक, अब हम नया लेसन शुरू करेंगे बेटे आज, एरिया ऑफ ए सर्किल, सर्किल का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त संबंधी जो कुछ चैप्टर है आपका, उसको शुरू करेंगे बेटे। राइट, हाँ। तो आज हमारे पास दो सूत्र हैं और दो फार्मूले हैं, पता है आपको? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है जानते हो? चलो अच्छी बात है, बहुत जल्दी लिखेंगे आप जो भी आज आपके कैलकुलेशन देखेंगे। आप अपने पास कॉपी, उमेश राजपूत, अभय कौशिक, हाँ वेरी वेरी गुड सर, आप अपने पास एक कॉपी पेन लेके बैठे आज जरा। हाँ गौरव पटेल जी नमस्ते, देवांश पांडे, अनंत तिवारी गुड इवनिंग बेटे। हाँ 69/70, अरे 100% आएंगे सर, आप मेहनत करेंगे तो। पांडे जी, पांडे तो वैसे भी इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने में, देवांश पांडे, हाँ ये तो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। पटेल पांडे, हाँ अवस्थी, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं भाई। यार स्क्वायर, मैं कह रहा ये क्यों, क्या लिख दिया आपने तो, आप पढ़ाया भाई यार स्क्वायर, अरे वाह, लिखने में बड़े अच्छे हैं सब बच्चे, बहुत अच्छा लगता है बेटे। आ जाए अपने टॉपिक पे। हाँ देखिए, हम आप पढ़ेंगे आज क्षेत्रफल संबंधी व्रत के। देखो सबसे पहले तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करें तो एक बात पे ध्यान दें कि व्रत के सवाल में त्रिज्या दी है या व्यास दिया है, बस। नितिन वर्मा जी नमस्ते बेटे, अब थोड़ी देर बाद बोलूँगा आपके नमस्ते जब ही लेंगे, और आप अपनी कैलकुलेशन करने के लिए कॉपी पेन लेके बैठे और कैलकुलेटर भी लेके बैठ जाएं चाहे आप, समझ गए? हाँ 2π आर स्क्वायर होता है बेटे, गलत बोला आपने। रिया यादव जी सर नमस्ते, अनंत तिवारी नमस्ते बेटे, यस सर। आज आप कॉपी पेन कैलकुलेटर लेके बैठना फोन से अलग, क्योंकि इसमें तो आप सेंड करोगे तो गुना भाग तो आप अलग करोगे ना। हाँ जल्दी से जल्दी करके बताना आज, बहुत जल्दी जल्दी, राइट, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो सबसे पहले ये सोचो कि इन्होंने गिविन क्या है हमारे पास, त्रिज्या दे रखी है, ये व्यास दिया है, जानते हो? हाँ ये ओ पॉइंट, ये ए, ये तो हमारे पास होती है बेटे रेडियस, और यदि वो व्यास देगा तो व्यास मीन्स होता है दिस ए बी टोटल, ये ओ पॉइंट, तो ये ए से लेके बी तक जो हमारे पास होता है बेटे डायमीटर होता है, ये 2r होता है, और ये ओ ए जो होता है ये हमारे पास r होता है, इसको हम स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं बेटे 2r, राइट। अब हम लिखेंगे पहला सूत्र जो है हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटे, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो एरिया, पाई आर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर दो होता है बेटे इसकी परिधि, जानते हो? हाँ परिधि कितनी होती है, 2πr, पैरामीटर बेटे, ठीक है। और नंबर थ्री, अगर हम ये सोचे कि हमारे पास हाफ सर्किल है तो आधे का कितना होता है क्षेत्रफल, आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, कोई परेशानी? ठीक। अब दो सूत्र आपने वैसे भी पढ़े होंगे बेटे, अगर मान लीजिए आपके पास रिंग आ जाए तो, नंबर चार रिंग है आपके पास मान लीजिए डबल, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, रिंग का क्षेत्रफल किसका, रिंग के लिए होता है बेटे पाई आर वन स्क्वायर माइनस
आर टू स्क्वायर। और जो भी क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन होते हैं बेटे, उनकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। काय में होती है? स्क्वायर में। क्षेत्रफल कोई भी हो, चाहे आयत का हो, वृत्त का हो, त्रिभुज का हो, किसी का भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल जो होता है उसकी जो यूनिट होती है बेटे क्या होती है? स्क्वायर में। राइट? हाँ बेटे, ठीक है बेटे। अब आपके पास एक क्षेत्रफल होगा बेटे नंबर पांच वृत्तखंड का, जानते हो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है बेटे बहुत। हाँ, आज क्वेश्चन इस पे भी आएंगे। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू कितना? पाई आर स्क्वायर। एक ये होता है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक होता है किसका वाला, जानते हो किसका? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। नंबर सिक्स वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एक तो है हमारे पास किसका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और एक होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आज आपसे आंसर पूछेंगे। हाँ बेटे नंदलाल पटेल, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। आज देखते हैं आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन करके बताओगे। आर स्क्वायर पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये भी लिख सकते हो, और इसकी मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं बेटे। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी सूत्र लगा सकते हैं। दोनों एक ही बात है बेटे, दोनों में से कोई सा सूत्र लगा सकते हैं। आज हम जितने क्वेश्चन करेंगे बेटे इन पर करेंगे। राइट योगेश कुमार जी, हाँ देख लिया आपने फार्मूले। ऋतिक जी नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा बेटे। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन पर क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड में। हाँ, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, ठीक है बेटे। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेटर लेके बैठे हो ना? हाँ, देखते हैं आप कितनी जल्दी आज कैलकुलेशन करके बताते हो। कागज भी लेके बैठना साथ में, कॉपी और पेन। हाँ, और कैलकुलेटर भी लेके बैठना। आज का भी देखेंगे कौन सबसे बच्चा इंटेलिजेंट है। हाँ, कल भी कई बच्चों ने किया था, आज भी देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। आज का लास्ट में डिक्लेयर करेंगे कौन सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। कल के क्वेश्चन अच्छे थे ना, हाइट एंड डिस्टेंस के? वो जो पेड़ वाला क्वेश्चन है, जो टूट के आंधी में लटक जाता है पेड़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत आता है। जब कभी हम पढ़ते थे तब से ही इंपॉर्टेंट है वो। हाँ, आ जाइए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, ये कहता है दो वृत्त हैं जिनकी परिधि 2πr1 और 2πr2 में जो अनुपात है वो 2/3 है। परिधियों का अनुपात, देखिए क्वेश्चन लिखने में तो टाइम लगेगा ना दर्शन कुमार जी? यस सर, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, तो आप हिंट से समझ जाए कि हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है कि हमारे पास दो वृत्त हैं जिनकी परिधि 2πr होती है ना परिधि, तो एक वृत्त की परिधि 2πr1, दूसरे की 2πr2 का अनुपात 2/3 है। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन तो ये मिल ही जाएंगे। जी सर, देखो 2π से 2π कैंसिल, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 2/3। अब क्या पूछ रहा है वो? वो कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। वृत्त तो के क्षेत्रफल का अनुपात, तो दो वृत्त है हमारे पास, ठीक है? हाँ, दो वृत्त है ना, दोनों का क्षेत्रफलों के अनुपात पूछ रहा। कर दीजिए शुरू। अनुपात लिखिए क्या होती है? पाई आर वन का स्क्वायर अपॉन पाई आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, क्षेत्रफल मान लीजिए पहला ए वन है और दूसरा ए टू है, तो ए वन अपॉन ए टू मान लीजिए, आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर। अब आपको जानते ही हो आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया आंसर?
ये 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3 कौन लिख रहे हैं जनाब? हाँ, 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, दिस मीन्स 4/9, कितना आंसर होगा? 4:4 नो होगा। A1 अपॉन A2 यानी कि A1 अनुपात A2 बराबर कितना आया? 4:9, नंदलाल पटेल। आप बड़ी जल्दी जल्दी लिखते हो नंदलाल जी, हाँ बड़ी अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छा, समझ गए? पहले व्रत का अनुपात परिधि का, दूसरे व्रत की परिधि का अनुपात, दोनों को डिवाइड किया, 2π से 2π कैंसिल, R1 अपॉन R2, क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, R1 अपॉन R2 की वैल्यू लिख दी, आंसर राइट। दूसरा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कितनी जल्दी, अभी तो कैलकुलेशन वाला आया नहीं है क्वेश्चन, अभी आएगा। ये कह रहा है एक अर्धवृत्त है, ये है हमारे पास हाफ सर्किल, राइट। कह रहा है परिमाप पैरामीटर 72 सेंटीमीटर गिवन है, परिमाप कितना दे रखा है बेटे? 72 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका व्यास बताओ। अब ये बात देखो, जो हमारे पास हाफ सर्किल होता है उसका परिमाप कितना होता है, असली इंपॉर्टेंट बात ये बेटे, हाफ सर्किल जो होता है उसका परिमाप कितना होता है? देखो यहां से लेके यहां तक ये हो गया आधा परिमाप, और ये कितना है हमारे पास व्यास, तो तीनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि एक तो हमारे पास हाफ परिमाप, परिमाप कितना होता है 2πr होता है, लेकिन अब तो हमें हाफ चाहिए आधे का, तो कितना हुआ पाई आर, तो ये हो गया हमारे पास, और 2r ये हो गया, तो पाई आर प्लस 2r दोनों, पाई आर प्लस 2r दोनों को प्लस करेंगे बेटे, हाँ, और कितना दे रखा है ये हमें 72। देखो परिमाप, बच्चे क्या गलती करते हैं, जो हमारे पास हाफ सर्किल होता है उसके परिमाप में बेटे क्या करेंगे, सोचेंगे आधा परिमाप ही तो दे रखा, तो आधा परिमाप, पूरा परिमाप तो हमारे पास होता है 2πr, तो बच्चा सोचेगा इसका हाफ कर दो तो पाई आर आ गया, तो वो सोचेगा पाई आर इसका आधा हो गया, लेकिन गलती कर रहा ना, ये भी तो हमारे पास आया बेटे प्रश्न, तो हम इसका भी क्षेत्र जो एरिया वो जोड़ेंगे बेटे लेंथ, तो ये है हमारे पास 2r। अब देखो इसमें से r तो आ गया कॉमन, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 72, और हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है r की, बताओ जल्दी से जल्दी r कितना आया इससे, r इंटू 22/7 प्लस के 2 बराबर 72, r गुना 2 7 LCM आया 7, 22 प्लस 7 इंटू 2 14 72। सोल्व करो जल्दी से जल्दी, अब 4 2 6 2 1 3/7 = 72, राइट, तो R इज इक्वल टू 72 × 7/36। सोल्व करो जल्दी से जल्दी, 36 × 72 दो बार, तो R इज इक्वल टू 7 × 2 हाँ 14 आ गया बटे, 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर तो आया हमारे पास R, लेकिन वो बूझ क्या रहा है बेटे, व्यास बताओ, व्यास, तो व्यास इज इक्वल टू कितना आया 2r, तो 2 × 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताना देवांश पांडे जी, हमने तो आपसे r का मान पूछा था, आपने व्यास कैसे बता दिया 28, हमने तो नहीं पूछा 28 व्यास बताओ। ऋतिक 15 कहां से आ गया भैया आपका आंसर, हाँ हाँ डिलीट कर रहा, अच्छा राइट, जो मैं बूझू उसका आंसर दिया करो भाई, हाँ आप चीटिंग करते हो, इसका मतलब चीटिंग नहीं करनी भाई, हमने बूझा था त्रिज्या बताइए, आप बता रहे व्यास, इसका मतलब आपने सॉल्यूशन देख रहे हैं क्वेश्चनों का, हाँ गलत बात है, जो बूझे उसका आंसर दें आप, बस अपने पास से ट्रिक ना लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बूझे उसका जवाब दें बेटे, ठीक है, यस। देखिए ये कहता है क्वेश्चन, 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त के परिगत एक 64 सेंटीमीटर
क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या कहता है, ये हमारे पास एक वर्ग है, अब हमें क्या करना है, इसके चारों ओर वृत्त बनाना है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा। 64 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दे रखा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो ये कितना है 64, तो एज इक्वल टू कितना आया 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो साइड आ गई कितनी आई 8 सेंटीमीटर, राइट 8 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका विकर्ण कितना हुआ बताओ, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र बताइए अच्छा क्या होता है, बताओ पांडे जी वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण ए अंडर रूट 2 होता है, ए कितना है 8 अंडर रूट 2, तो ये कह रहा है इसके चारों ओर हमें वृत्त बनाना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो ये देखो जो हमारे पास ये है इसका विकर्ण, ये पता क्या है डायमीटर, वर्ग का विकर्ण जो है हमारे पास व्यास है बेटे, हाँ व्यास को क्या कहते हैं डी, डी बराबर 8 अंडर रूट 2 आ गया। अब हमें चाहिए त्रिज्या, डी को क्या कहते हैं 2R, 8 अंडर रूट 2, तो R इज इक्वल टू कितना आया 4 अंडर रूट 2, ये 4 अंडर रूट 2 इसकी त्रिज्या गई वृत्त की जो इसके चारों ओर है। अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। सोल्व करें जल्दी, हाँ अब सोल्व करें इसको कितना आया 22/7, पॉइंट में बताना है 4 चौक 16 और गुना 2, 16 दूनी 32 पाई लिख रहे हैं आप इसको, बहुत अच्छी बात है बेटे, लेकिन इसमें पाई का मान रख के बताना है, तो सोल्व करके बताओ इसको 16 गुना 2 गुना 22/7, 16 दूनी 32 गुना 22/7 7 करो इसको सोल्व करके बताओ पॉइंट में कितना आया, हाँ पॉइंट में बताओ। लो जी हमने बता दिया 100.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा बेटे, हाँ 100 पॉइंट, ये कोमा नहीं लगता बेटे, पॉइंट होता है रिया यादव, हाँ कोमा नहीं पॉइंट लगाते हैं बेटे, ठीक है अच्छी बात है। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए, देखो ये कहता है एक हमारे पास वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 64, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर, तो हमने इसकी साइड जो है ए मानी, ए का स्क्वायर 64, ए इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 64 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें पता होता है वर्ग का विकर्ण, 9th क्लास में पढ़ा था ना वर्ग का विकर्ण ए अंडर रूट 2, हाँ ए अंडर रूट 2 8 अंडर रूट 2 हो गया, दोनों को इक्वल लिखा, इससे हमने किसकी वैल्यू निकाली आर की बटे, आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया पाई आर स्क्वायर, आर का मान रखा सोल्व किया, चाहे तो आप इसे 32 पाई भी लिख सकते हो, 32 पाई भी लिख सकते हो और पॉइंट में भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चीटिंग करते हो तुम बहुत जल्दी जल्दी, हाँ चीटिंग करते हो आपके, मैं डिजिट बदल दूंगा जब देखते हैं कौन आंसर करेगा जल्दी से, तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आ जाइए, गुड इवनिंग तो है ही आपकी, हाँ गुड इवनिंग तो है ही अतुल राजपूत जी, गुड इवनिंग, बड़ा अच्छा है बेटे बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, ये कह रहा है एक चित्र है हमारे पास, ध्यान देना जनाब, हाँ ये हमारे पास एक सर्किल है बेटे और इसके अंदर एक आयत बना है, बहुत जल्दी आंसर बताना है। तो ये कह रहा है जो शेष पार्ट है हमारे पास इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब इन्होंने दे क्या रखा है ये देखेंगे, ये कहता है ए बी सी डी एक वर्ग, हमारे अंदर आयत है इसके पास, 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 6 इसकी चौड़ाई है बेटे, ये तो 6 है और ये 8 है, ए बी इज इक्वल टू लेंथ 8 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू ब्रेथ, चौड़ाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो कह रहा है पाई का मान 3.14
अब बताएंगे आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे आप। तो ये कह रहा है जो शेष पार्ट है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल बताओ जो शेष भाग बचा। तो कैसे करेंगे, करिए जल्दी। शेष भाग का क्षेत्रफल, सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें हमारे पास, बोलो क्या है? सबसे बड़ी चीज है वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या है? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, पाई गुना आर स्क्वायर। और अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 × 6। अब हमें सोचना जो पड़ेगा वो सोचना पड़ेगा कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये सोचना है बेटे हमें। कितनी होगी वृत्त की त्रिज्या, कितनी होगी ये सोचो, बताओ कितनी होगी? पाई आर स्क्वायर होती है ना, तो आर कितनी है हमारे पास? देखो यहां से एसी, ये विकर्ण आ गया ना हमारे पास, एसी हमारे पास विकर्ण है। तो एसी फाइंड कर लीजिए पहले आप, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। कितना आ गया? 6 × 4 = 10, 6 × 3 = 9 और 1 = 10 कितना आ गया? 100। यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारे पास इसका डायमीटर आ गया। कितना आ गया डायमीटर बेटे? राइट, हाँ 6 और 8 दे रखा है बेटे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 6 × 8, सोल्व कर दीजिए बस इसको। अब देखो डायमीटर हमें पता चल गया कि इसका जो व्यास है हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आधी कितनी होगी इसकी त्रिज्या? 5 सेंटीमीटर हो गई। तो पाई का मान 22/7 या 3.14 इन्होंने दे रखा बेटे, 14 × कितना? 10। तो हमारे पास डायमीटर है, तो हाफ कर दीजिए, ये हो गया 5 − 8 × 6। सोल्व कर लो जो भी आए आंसर, हाँ अपने आप करो थोड़ा बहुत क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है सोल्व करना है बेटे। 8 × 48, अरे बस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, कर लोगे ना? यस सर। आ जाइए थोड़े बड़े सवाल पे, एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं बेटे। नेक्स्ट, हाँ बहुत जल्दी जल्दी बताया करो आंसर, छोटा सा सवाल था ये तो, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जल्दी से जल्दी बताना आपके आंसर। ये कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये वृत्त है हमारे पास इधर, हाँ इसका क्षेत्रफल मान लीजिए इसकी त्रिज्या आर है बेटे, ये ओ ये ए, तो ओ ए इज इक्वल टू हमने मान ली इसकी रेडियस, और इसका क्षेत्रफल दे रखा हमें इन्होंने कितना बोला? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई का मान दे रखा है 22/7, पाई का मान दे रखा है। तो कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो। आप सोचो परिधि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं बेटे, सबसे पहले क्या सोचते हैं, ये देखो उनने क्या दे रखा है, गिविन क्या है हमारे पास, सबसे पहला काम ये होता है, उन्होंने दे रखा क्षेत्रफल। तो आप इसमें सोचो मत, क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाओ। अब ये हमारे पास है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे कितना होता है, अभी लिखा था आपको पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 616, राइट 616, ठीक है, हाँ 616 सेंटीमीटर। अब इससे आर की वैल्यू फाइंड कर लो बेटे कितनी आई, बताओ अच्छे आर की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। 22/7 × r² = 616, हाँ नंदलाल पटेल जी जल्दी बताओ, साहिल यादव, हाँ इससे आर की वैल्यू बेटे 616 × 7/22। अभी एक क्वेश्चन देंगे आपको और वेट करेंगे हम थोड़ी सी देर, नंदलाल पटेल जी हाँ वेट करेंगे हम, वेट करने के बाद देखेंगे आर की वैल्यू बतानी है बेटे इससे आर की वैल्यू, हाँ ये आया 196। हमने आपसे इसका क्षेत्र वो नहीं पूछा,
परिधि नहीं पूछी हमने, हमने पूछा इससे पहले आपके आर की वैल्यू कितनी आई, तो 196 किसका वर्गमूल, यह आ गया इसका वर्गमूल 14 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इसका परिमाप बताओ या परिधि बताओ, तो परिधि पूछ रहा है बेटे। परिधि बराबर क्या होती है, 2πr, 2 × 22/7 गुना कितना 14, ये इससे कैंसिल कितनी बार 2 बार, और ये हुआ 22 इंटू कितना हुआ, परिधि बराबर कितनी 22 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 88 सेंटीमीटर। हाँ 196, हाँ ये बात पूछा, जो हम बूझे उसका जवाब दे बेटे। आप क्या करते हो, हाँ आप आंसर बताते हो देख के, हमने पूछा था इसकी त्रिज्या कितनी होगी तो आपको लिखना था 14 सेंटीमीटर, आप क्या ज्ञात कर रहे हो सी, सी नहीं पूछ रहे हम आपसे इससे, हम पूछ रहे थे आपसे इसकी आर की वैल्यू कितनी है, आप ज्ञात कर रहे हो इसकी परिधि बताओ, राइट। हाँ परिधि नहीं ज्ञात करनी थी, हम परिधि तो हम बताते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अच्छा चलो जो बूझे उसका जवाब देंगे आप, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे अब की बार। आ जाइए शुरू हो जाओ, देखते हैं कौन कितनी जल्दी करेगा अच्छा इस क्वेश्चन को, 2019 का सवाल है बेटे, इंपॉर्टेंट है। हाँ ये कह रहा एक हमारे पास वृत्त है आधा, हाफ सर्किल, ये तो है हमारे पास फुल सर्किल, ये हो गया हाफ, हाफ हो गया ना ए बी। अब वो कह रहा है इसके अंदर जिसकी त्रिज्या आर है, इसकी रेडियस दे रखी है बेटे इन्होंने आर, हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है आर दे रखी है, राइट। तो कह रहा है इसके अंदर बड़े से बड़ा त्रिभुज बनेगा जो, उसका क्षेत्रफल बताइए अश्वनी जी, हाँ ऋतिक जी जरा इसका क्षेत्रफल बताओ जो इसमें बड़े से बड़ा त्रिभुज बने, नंदलाल पटेल जी करिए जल्दी। ये बन गया इसके अंदर त्रिभुज ए ओ बी, ये है हमारे पास 2r और ये है हमारे पास r, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू, वृत्त का नहीं पूछ रहे हम ना शेष भाग का पूछ रहे हम, पता क्या पूछ रहे, जो इसके अंदर त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल बताओ जिसकी त्रिज्या दे रखी है वृत्त की इन्होंने आर, तो पता है 1/2, आधार कितना है 2r, ऊंचाई कितनी है r, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा r स्क्वायर, ये होगा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल कितना होगा आर स्क्वायर होगा। करण यदुवंशी यस आज पहली बार जुड़े हो है ना, हाँ अच्छी बात है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 2019 में आ चुका बेटे सवाल बोर्ड का, हाँ अच्छा सवाल है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटे बोर्ड में जो हमें खुद सोचने होते हैं, जैसे जब आप पेपर देने जाते हो तो ये कोई ना पता होता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन कॉपी तो जब भी भर आते हैं बच्चे तो उन्हें कहाँ से याद आता है कि हमें कॉपी भी भरनी है और क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो वो उनकी सेल्फ नॉलेज होती है बेटे, आईक्यू होती है, क्या होती है आईक्यू होती है। चलो आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, एक और बोले जल्दी क्या। ये कह रहा है एक वृत्ताकार वलय है रिंग, रिंग और उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना रिंग का, समझ गए, वलय का क्षेत्रफल बताना है जिसकी बाह्य त्रिज्या R1 14 सेंटीमीटर है और R2 7 सेंटीमीटर है। सुन लीजिए क्या, एक वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य, हाँ दीपक कुमार नमस्ते राम राम जी अच्छा, तथा आंतरिक त्रिज्याएं 14 और 7 सेंटीमीटर है, बहुत जल्दी से आंसर बता दीजिए इंदु गौतम जी। हाँ बताइए R1 आंतरिक
और ये होगी हमारे पास आर टू, दोनों त्रिज्या दे रखी है बेटे, ये तो है हमारे पास बाह्य त्रिज्या और ये होती है आंतरिक, समझ गए? बताओ जल्दी से। देखो अभी हमने बताया था आपको क्षेत्रफल बराबर, रिंग का क्षेत्रफल बताया था ना, क्या पाई आर वन स्क्वायर और आर टू स्क्वायर, पाई का मान 22/7 या पॉइंट में भी लिख सकते हो 3.14 और आर वन का मान 14 और -7। आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, 22/7 गुना 14 × 14 196 और 49, राइट। हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते थे बेटे इस सवाल को, देखो इसमें 14 है तो इसे 7 × 2 लिख देते और 7 यहाँ पे है तो 7 हमारा कॉमन आ जाता और यहाँ पे ये 7 इसका इंजार कर रहा है तो ये कट जाता, राइट। तो और क्वेश्चन सिंपल हो जाता, माइनस करिए, सोल्व करो जल्दी से जल्दी, कितना बचा 147, ठीक, भाग करके बता दीजिए कितना आया, 22/7 गुना 147 करो जल्दी से कितना आया, अच्छा कैलकुलेटर लेके बैठे हो, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, 462, ठीक है, सबने लिख दिया, नितिन वर्मा जी, नंदलाल पटेल, बड़ी अच्छी बात है बेटे, चलो अच्छा अब हम दूसरी तरह का सवाल लेते हैं, हो गया, रिंग का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, आर वन की वैल्यू आर टू की वैल्यू दोनों के मान रख के सोल्व करके आंसर। अब इसमें एक बात ध्यान देनी होती है बेटे आपको, क्या देखो जब क्वेश्चन हम करते हैं ना तो ये जरूर पढ़ लें कि ये इन्होंने व्यास दे रखे या त्रिज्या दे रखी, बहुत ध्यान देना इस बात पे, हाँ बेटे ठीक। सेंटीमीटर स्क्वायर एक बच्चे ने लिखा है देवांश पांडे ने, बाकी सब ने 462 462 मात्रक लिखना चाहिए, ठीक है ना, बताया था ना मात्रक हर हालत में लिखना चाहिए, हाँ यूनिट जरूर लिखे बेटे सब, सेंटीमीटर स्क्वायर। साहिल यादव नमस्ते बेटे, नमस्ते नमस्ते, अब तुम मेहनत कर रहे हो, सब बच्चे मेहनत करने पे लगे पड़े हैं अब इस समय, अच्छी बात है बेटे, हम यही चाहते हैं कि आपके मार्क्स ना कुछ बच्चों से अलग आए तो उन्हें ही पता चलेगा कि आपने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट मिला या नहीं मिला, तब पछताएंगे वो बालक कि हमसे गलती हो गई, हमें भी जुड़ना चाहिए था, ठीक है सर। हाँ अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कहता है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त और त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, आंसर बताना जल्दी से जल्दी, हाँ यस सर, राव कृष्णा यदुवंशी, अच्छा जी नमस्ते बेटे, और थीटा दे रखा है उन्होंने केंद्र पर कोण 60 डिग्री, ध्यान देना आप क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जानते हो ये तो वृत्त, ये कोण 60 डिग्री, ये ए ये बी ये ओ, तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है बेटे त्रिज्या खंड, ये कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। अब आ जाओ, त्रिज्या पता चल गई, कोण पता चल गया, क्षेत्रफल किसका वाला त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू कर दीजिए मुझसे पहले, हाँ सूत्र बताया था ना थीटा बटे 360 गुना कितना पाई आर स्क्वायर, बताया था ना थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, दीपक कुमार जी, हाँ कृष्ण यदुवंशी जी, जी सर थीटा का मान कितना है 60/360 करो जल्दी से आंसर, 22/7 गुना आर, आर कितना है 6 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को बटे ए से भी ए के बराबर भी लिख देते हैं,
जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गई, सिक्स सिक्स जा 36, तो 1/6 इंटू 27 इंटू अपॉन में 7 और इंटू सिक्स 36 है ना ये भी, हाँ ये भी 36 है हमारे पास, ये भी 36 था कट जाता राइट, ये 6 से 6 कट गया। सोल्व करो 22 गुना 6 बटे 7, क्षेत्रफल बताओ पॉइंटों में कितना आया। इंदु गौतम कहाँ हो, देवांश पांडे, हाँ 132 बटे 7, 6 दुनी 12 और 1 13, अच्छी बात है बेटे, लेकिन हमें पॉइंटों में चाहिए बेटे। जब भी हम पाई का मान रखते हैं ना 22 बटे 7, तो इसको पॉइंटों में फाइंड करते हैं। देवांश पांडे, ऋतिक जी बहुत अच्छी बात बेटे, बहुत बढ़िया, सब ने आंसर एक्यूरेट निकाला और अब के सही लिखा है सब ने, सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। कितना आया 1.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखो एक बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, बहुत इम्पोर्टेंट, आपको पेपरों में ये वाला फार्मूला 100% लगाना पड़ेगा। हाँ ये वाला फार्मूला आपके पेपरों में आपको जरूर लगाना पड़ेगा, ध्यान देना। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको इस सूत्र पर मिल जाए, इस फार्मूले पर, जो भी नंदलाल पटेल जी जो भी क्वेश्चन आपको जहाँ भी पा जाए, जिस गैस पेपर में भी आ जाए, समझ लीजिए उन सब क्वेश्चनों को कर लीजिए। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर क्या है, क्या है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, किसी भी वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यदुवंशी जी ओके सर, आदित्य कुमार जी, नंदलाल पटेल जी, अश्वनी जी, ऋतिक जी, सब आपकी कृपा से हो रहा है। अरे ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है, हाँ हम कुछ नहीं करते, सब ऊपर वाला करता है। ओके सर ठीक, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी बात बता दी कि इस सूत्र पर आपको एक सवाल बोर्ड में जरूर करना पड़ेगा राइट। अब याद करें ना करें, जिस बच्चे को भी अच्छे मार्क्स चाहिए समझ लीजिए इसको जरूर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाए। अब और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से आंसर बताना है अब की बार, फिर जैसे अब की बार बताया आपने, बहुत अच्छी बात है बेटे। एक क्वेश्चन आपके की उसमें बुक में बेटे मिनट वाली सुई का है ना, उसको जरूर कर लें एक क्वेश्चन कि एक मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल करेगी, तो उस क्वेश्चन को कर लें बेटे एक आप राइट, मिनट वाली सुई वाला सवाल जो है। चलें दूसरे क्वेश्चन पर, हाँ जी चलो जी क्वेश्चन आंसर बताना पॉइंटों में। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 21 सेंटीमीटर ठीक है। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट लगेगा, तो आप जब कोई क्वेश्चन देखेंगे कहीं आपको मिल जाएगा कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला कौन सा क्वेश्चन है, सब आपकी कृपा है हमारी नहीं है ठीक। और कह रहा उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो, कितना आसान है जल्दी बताओ। परिधि बराबर 2πr मालूम है ना, तो 2 × 22/7 गुना कितना 21, जल्दी करें मुझसे पहले, ये हो गया 7 से कैंसिल 3, ये हो गया 2 × 4 और 2 × 4 और गुना 3, 4 × 3 = 12, 12 + 1 = 13, किसने लिखा ऋतिक जी, ओके सर ही लिखते रह गए आप तो अभी। गजराज सिंह नमस्ते, हाँ बहुत देर में आए हो आप गजराज सिंह, अरे क्या लिख रहे हो 462 कहाँ पहुँच गए अभी आप, हाँ ये तो बेटे परिधि पूछ रहा है, और परिधि क्या होती है 2πr, और 2πr 2 × π का मान 22/7 गुना r का मान 21 दे रखा है इन्होंने, 7 × 21 3 से कट गया, 22 की 2 की गुना करी और फिर 3 बचा 3 की गुना कर दी, या 3 × 2 = 6 एक साथ करके 22 में गुना कर दो 132 सेंटीमीटर। अब ये क्षेत्रफल और पूछ रहा है बेटा, इसका क्षेत्रफल और बताओ कितना हुआ एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 22/7
गुना 21 का स्क्वायर, तो 22 बटे 7 गुना 21 गुना 21, ऐसे लिख दो बेटा इसको, गुना मत करो, 21 21 444 होता है ना, करो मत, क्योंकि ये सेविन है हमारे पास यहाँ, तो ये इसको काट देगा बेटा, 7 21 22 गुना 21 गुना 3, गुना करके बताओ जल्दी से कितना आया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आया बताओ, क्षेत्रफल गुना करो जल्दी से इसकी कितनी आई, ठीक है, हाँ गुना करो बेटे इसका जल्दी से जल्दी, कल थोड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे बेटे, हाँ कल इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना ज़रा। 1386 1386 देवांश पांडे, हाँ बड़ी अच्छी बात है बेटे आंसर। देखो हमने आपको एक दिन एक बात बताई थी, यदि आपको याद हो और कोई नया बच्चा जुड़ा हो, देवांश दर्शन कुमार जी, कोई बात नहीं बेटे, थोड़ी देर बाद वीडियो देख लेना, अगर नेट की प्रॉब्लम है तो नहीं चल रहा कोई बात नहीं। देखो इधर हमने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप क्वेश्चन करने जाएं पेपरों में तो आप लिखने पे ध्यान दें, आप क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो उसका पार्ट कौन सा कर रहे हो ये जरूर डालें आप, और लास्ट में आप आंसर लिखें, यहाँ साइन ना करें आप अपने, आंसर लिखें कि आंसर, और हमने एक बात और बताई थी लास्ट में आप लिखें अतः, अतः लिखें इसका क्षेत्रफल इतना होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखें बेटे टॉपिक में लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या कि दीनू सैफी जी नमस्ते बेटे नमस्ते, आपको उसी भाषा में तो लिखना पड़ेगा, अतः इसका आंसर इतना होगा। जी सर, हाँ बेटे कृष्णा बड़ी जल्दी बात सुनता है बेटे, हाँ बड़ी अच्छी बात है, आप बड़ी जल्दी सुन समझ लेते हो सारी बात, यस सर एकदम लिख देते हो, बहुत अच्छा लगता है बेटे जब आप पढ़ते हो। देखिए आपके लिए ई विद्या क्लासेस चल रही हैं, आपका बेनिफिट है, आपको फ़ायदा है, ये चाहते हैं कि बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं, तो कितनी अच्छी बात है बेटे, और हम भी मेहनत कर रहे हैं, राम कुमार त्यागी भी तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हो, हाँ हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक और देखते हैं बेटे, ये कह रहा है 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है, एक वर्ग है हमारे पास, ठीक ये हो गया हमारे पास एक वर्ग, और इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है इसकी भुजा सभी, और वर्ग तो आपको पता ही है, वर्ग का मतलब जानते हो, हाँ वर्ग का मतलब सभी भुजाएं समान, राइट। चलो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और इसके अंदर चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त खींचा, यानी कि हमने एक इसके अंदर वृत्त बना दिया बेटे जो चारों भुजाओं को छू रहा है, तो कहता है क्षेत्रफल का शेष भाग ज्ञात करो, जो इसके बाकी पार्ट बचाइए, इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है बेटे ये, हाँ इस भाग का जो शेष पार्ट हमारे पास बचा, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, अब लगा जाओ आंसर पे बहुत जल्दी जरा। तो हमारा ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये देखो, पहले सबसे पहले ये देखो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, सोचो जब ये टोटल 14 है तो हाफ कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, तो ओ से लेके ए तक मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, तो पता चल गया ना हमें, क्या पता चला कि इसकी त्रिज्या जो है वृत्त की कितनी है। जी सर सागर कुमार जी नमस्ते, हाँ 7 सेंटीमीटर है बेटे इसकी त्रिज्या वृत्त की, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, राइट, हाँ 7 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या होगी बेटे। अब हमें क्या करना है, क्या वृत्त की त्रिज्या पता चली, वर्ग की भुजा पता चल गई, भुजा कितनी है, भुजा कितनी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो कह रहा शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ, अब ये सोचो बड़ा भाग कौन सा है इसमें, वर्ग है, छोटा भाग क्या है इसमें, वृत्त है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल, राइट, बराबर वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, राइट, करो जल्दी से सोल्व करो,
वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, और ये है हमारे पास कितनी 14, ये है 22/7 और गुना आर कितना 7 का स्क्वायर। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, इसका आंसर बताइए। हाँ जल्दी से आंसर बताओ इसका, सभी बताओ जल्दी से जल्दी, साहिल जी ठीक। हाँ कल बेटे बड़े क्वेश्चन करके चलेंगे थोड़े से। हाँ देखो 14 × 14 196 माइनस 22/7 गुना 7 × 7 हो गया, 1 7 तो हो गया कैंसिल इससे, तो 196 राइट इज इक्वल टू हाँ माइनस 22 × 7 196 माइनस 7 × 14 7 × 14 और 1 15 कितना आया आंसर 42। हाँ गुड बेटे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर देखो रिया यादव ने लिखा है, देवांश पांडे ने लिखा है, नंदलाल पटेल, हिंदू गौतम जी मात्रक लिखा करो बेटे। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर ठीक है। और चलते हैं चलो एक सवाल पे, कल बड़े क्वेश्चन करेंगे, कल इससे बड़े वाले सवाल करेंगे, कल आपकी कैलकुलेशन की परीक्षा ली जाएगी कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। हाँ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, नमस्ते तो है ही आपकी सबकी, हाँ गुड इवनिंग भी है। हाँ अभी बाद में करेंगे गुड इवनिंग, एक जब हम एंडिंग पॉइंट पे होंगे, अभी जरा समझ लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और ये कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान है, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बेटे, डिजिट बदल जाती हैं बस। एक वर्गाकार मैदान और एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल बराबर है, देखो क्या कह रहा, ये तो है हमारे पास वर्ग, ये तो वर्ग है और ये वृत्त है, दोनों के क्षेत्रफल समान है। अब इसमें तो हमें भुजा चाहिए बेटे और इसमें हमें चाहिए त्रिज्या, तो ये कह रहा दोनों के एरिया क्या है आपस में बराबर ना अभय कौशिक जी, यस सर, और क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 5 5 4 4 5 5 4 4 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर में है बेटे ये, अब की बार सेंटीमीटर में नहीं है। शुभम राजपूत जी हाँ बेटे गढ़मुक्तेश्वर से हो, अच्छी बात है बेटे, चलो अच्छी बात है, गढ़गंगा जी नहा लिया करो। तो वृत्ताकार मैदान का व्यास चाहिए बेटे हमें, इसका डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर तो वो तब फाइंड करेंगे जब हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे ठीक। अब सबसे पहला काम क्या है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर लिखिए, तो इसका क्षेत्रफल तो हमें पता है 5 5 4 4, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखो पहले, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, और दोनों के एरिए बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर को 5 5 4 4 के इक्वल लिख दीजिए। अब पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, बताओ इससे जल्दी आर का मान कितना होगा। हाँ इससे पहले आर की वैल्यू बताओ, डायमीटर तो बाद में आएगा बेटे, 4 4 × 7/22 बताओ इससे आर स्क्वायर आर कितना आया, आर गजराज सिंह आर बताओ पहले। हाँ 22 से डिवाइड करो इसको, 1 7 कैलकुलेटर लेके बैठा करो, बताई तो थी अभी आपको, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 1764, इसका वर्गमूल बताइए। अच्छा ले रहे हो ना, हाँ बेटे आपके पास तो कैलकुलेटर है, जल्दी से जल्दी बताओ इसका वर्गमूल 42 सेंटीमीटर है बेटे, 42 मीटर है बेटे ठीक। R आ गया लेकिन वो क्या बूझ रहा, डायमीटर बताइए, तो D इज इक्वल टू कितना होता है 2R, तो 2 × 42 और 42 × 2 4 × 8 राइट, इतने मीटर 84 मीटर राइट, 42 आर बराबर। हाँ बेटे डी पूछ रहा नंदलाल पटेल राइट, बहुत अच्छी बात है, आपके जो बूझा वो बताया आपने, कल इससे बड़े क्वेश्चन लेंगे बेटे। आज आपको समझ में आया नहीं आया सबसे पहले तो आप ये बताएं, हाँ ये 42 देवांश पांडे बड़ा हिंदी भी लिखते हो,
फोर टू मीटर लिखा आपने इंग्लिश में है ना, मीटर तो लिखा इंग्लिश में। यस बेटे, आर इज इक्वल टू 42 और डी इज इक्वल टू 84 नंदलाल पटेल। ओके सर, ये बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया? यस सर, थैंक यू बेटे, गुड इवनिंग, कल फिर मिलेंगे।